गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। देखिए आज आपको इंग्लिश में क्या करना है। आज आप अपनी इंग्लिश में निकालेंगे पहले अपनी बुक इंग्लिश प्राइमर, ठीक है। फिर आपको निकालना है उसमें चैप्टर 10 यूज़ ऑफ ए और ए एन, यानी कि आपको ए कहाँ लगाना है और ए एन कहाँ लगाना है। पहले आप रीडिंग करिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ए गर्ल, यानी कि वोवल्स से पहले हमारा ए एन आता है और कॉन्सोनेंट से पहले ए आता है। अब ये यहाँ पे हमारा पहला है गर्ल, जी आई आर एल गर्ल, यानी कि जी हमारा कॉन्सोनेंट से, इसलिए इससे पहले क्या आया हमारा ए, ए गर्ल। ए बस, ए चेयर, ए कैप, एन आउल। अब देखिए यहाँ पर ओ क्या है हमारा वोवल्स है, ठीक है, ए ई आई ओ हमारे वोवल्स है, तो ये ओ हमारा वोवल्स, तो इससे पहले क्या आया ए एन, ठीक है। आगे देखिए ए बैग, एन अम्ब्रेला, एन एरोप्लेन, एन इंजन। अब यहाँ पर देखिए ये यू है, ए है, ई है, ये सब हमारे वोवल्स हैं, इसलिए इनसे पहले क्या आए हमारे एन, ए एन। एन ऑरेंज, एन आइसक्रीम, एन आई, ठीक है बेटा। अब देखिए आपको नोटबुक में कैसे करना है। नोटबुक में आपको डेट डालनी है चैप्टर 10, और सबसे पहले आप लिखेंगे वोवल्स, पहले आप वोवल्स लिख लेंगे ए ई आई ओ यू, और इनसे जो भी हमारे वर्ड शुरू होंगे उससे पहले हमारा आएगा ए एन, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़, आपको ये वोवल्स याद होने चाहिए। अब हमारा यहाँ जी आई आर एल, जी, जी हमारा वोवल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट से, तो यहाँ क्या आएगा हमारा ए, और यहाँ ए डबल पी एल ई, पहला हमारा क्या किससे शुरू है ये ए से, ए हमारा इसमें वोवल्स में है ये रहा, तो हमारा यहाँ पर क्या है इससे पहले ए एन, तो यहाँ पर हम लगा देंगे ए एन, ठीक है। इस तरह हमारा ओ डब्ल्यू एल आउल, ओ क्या है हमारा वोवल, तो इससे पहले भी क्या आ जाएगा ए एन, और ये क्या हमारा बी ए जी बैग, बी हमारा वोवल्स नहीं है, इसमें है नहीं है हमारा बी, तो क्या आएगा यहाँ ए, यानी कि आपको सब किसी भी वर्ड का पहला अक्षर देखना है, अगर वोवल्स है तो ए एन आएगा, अगर नहीं है तो ए आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए कार, जू, इंक पॉट, ट्रेन, ऑक्स, ऑनियन, कैप, डॉग, आयरन, वॉच, इनके अब आपको इसमें यूज़ करना है ए और ए एन का, ठीक है। यहाँ पर ये हेडिंग और डाल लेना, यूज़ ऑफ ए एन, ठीक है बेटा। ये आपको आज का इंग्लिश का वर्क है, आपको ये कंप्लीट करना है आज का, ये थैंक यू।